छात्रों का फूटा गुस्सा। प्रिंसिपल को कमरे में किया कैद। अरे कॉलेज हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। कॉलेज हमारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीसी को बुलाने की मांग पर अड़े। कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। नारेबाजी कर रहे ये स्टूडेंट्स हैं मुंगेर के तारापुर राम स्वारथ कॉलेज के। मूलभूत सुविधाएं दिए जाने की मांग को लेकर ये धरना दे रहे हैं। पहले तो छात्रों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया, लेकिन जब धरना देने के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल को ही बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, छात्रों ने कॉलेज के सभी कर्मचारियों को भी कैद कर दिया और वीसी को बुलाने की मांग पर अड़ गए। मांगों को लेकर के, 8 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कॉलेज कैंपस में ही, और उसको लेकर के अभी तक कोई भी यहां पर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है कॉलेज प्रशासन के द्वारा, ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। तो मजबूरन हम लोग को आक्रोशित होकर के तालाबंदी करना पड़ा है। अभी सभी प्राचार्य को और प्रधानाचार्य प्रभारी प्रचार्य हैं उनको तालाबंदी हम लोगों ने किया है, और जब तक हमारी मांगों को लिखित रूप से पूरा नहीं किया जाता है नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग ताला नहीं खोलेंगे और हम लोग यहीं पर आमरण अनशन करेंगे। हंगामे के बाद अब कॉलेज के प्रिंसिपल को छात्रों की मांग जायज लगने लगी है। प्रिंसिपल साहब अब महज 1 महीने में सभी चीजें दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। जल की समस्या है, लैट्रिन की समस्या है, और पीजी की पढ़ाई, पीजी और कॉमर्स के समस्या के विषय में पढ़ाई प्रारंभ करने के विषय में है, और इसके लिए रिमाइंडर देने के लिए और सीसीटीवी और बायोमेट्रिक के लिए विश्वविद्यालय को भी रिमाइंडर भेजा गया। और ये गर्ल्स कस्टमों के लिए भी जो है पड़ी हुई है दूरी, उसके लिए निराकरण के लिए भी समस्या के समाधान के लिए विश्वविद्यालय को। कॉलेज में पेयजल और शौचालय की समस्या कब खत्म होगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को लेकर यदि छात्र छात्राओं को प्रदर्शन करना पड़े तो ये समाज के साथ साथ सरकार के लिए भी शर्म की बात है।